आपका आपके चैनल केमिस्ट्री गुरु आरपी उपाध्याय पर स्वागत है आप लोग को। आज मैं क्लास 12 का इस लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ाऊंगा आईयूपीएससी नेम ऑफ ईथर। ईथर का कैसे आईयूपीएससी नेम करते हैं इस लेक्चर में मैं आपको इसका रोशनी बता दे रहा हूँ, इस पे आधारित क्वेश्चंस भी लगवा दूंगा, तो इससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए ईथर की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने इसके विषय में कुछ बताया था। मैंने देखिए पहले ही कह दिया था कि मैं ये जो लेक्चर है एग्जाम ओरिएंटेड डाल रहा हूं आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन की दृष्टि से। अभी मैंने कॉम्पिटिशंस के जो क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जा सकते हैं उन सबको मैंने यही रोक दिया है। आपको मैं केवल वही टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशंस में आएगा, बोर्ड के एग्जामिनेशंस में, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। और बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं बोर्ड में आने वाले, उनको भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो अभी तो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। आप ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में जरूर आएगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज आईयूपीएससी नेम ऑफ ईथर्स। ईथर्स कहते किसे हैं ये तो आपको मैंने बता दिया है। तो ईथर्स के विषय में मैं हल्का सा रिवाइज कर दे रहा हूं कि जब ऑक्सीजन एटम दो सेम एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, या ऑक्सीजन एटम दो एरिल ग्रुप से जुड़ा हो, या ऑक्सीजन एटम एक एरिल और एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। तो याद रखिएगा, पहला टॉपिक है इसका, पहला पॉइंट है आपका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला इनका क्या होता है बेटा? आर ओ आर कहते हैं या आर ओ आर डैश कहते हैं, या उनमें से सब लिख सकते हैं आप जनरल फार्मूला में। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये तो जनरल फार्मूला हो गया। किसी किसी किताबों में इसको ऐसे भी दे दिया है, जनरल फार्मूला करके दे दिया है CnH2n+2O। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूछ सकता है CnH2n+2O, है ना? तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये होता है। अब बेटा इसका रूल जानते हैं क्या होता है? इसका जो आईयूपीएससी का रूल है वो बेटा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, यही पॉइंट याद रखिएगा बेटा, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन जो है ये आप याद रखिएगा, जितने भी ईथर है सबका आईयूपीएससी नेम इसी के अंतर्गत आएगा, आईयूपीएससी नेम ऑफ ईथर है, याद रखिएगा आईयूपीएससी नेम ऑफ ईथर है। अब बेटा क्वेश्चन उठता है कि एल्कोक्सी किसके लिए लगाएंगे? एल्के। याद रखिएगा, ये जो एल्कोक्सी लगता है ना, एल्कोक्सी हमेशा याद रखिएगा स्मॉल ग्रुप के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा? स्मॉल ग्रुप, जो ग्रुप स्मॉल होगा उसके लिए बेटा क्या लगाएंगे? एल्कोक्सी। और ये एल्केन जो है लार्जर एल्किल ग्रुप के लिए लगेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। तो एल्कोक्सी और एल्केन होता है इसका आईयूपीएससी में जो ईथर्स हैं। तो अब दिमाग में बैठाइए और क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया जाए जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो ये केवल ये पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी ईथर हैं आईयूपीएससी में उनका क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी स्मॉलर के लिए ग्रुप लगाया और लार्जर ग्रुप के लिए एल्केन्स, ये बेटा रूल है। अब आइए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे देखिए दे दिया गया CH3 OCH3, ये दे दिया गया C2H5
C2H5 दे दिया गया या CH3O C2H5 दे दिया गया या CH3O CH2 CH3 दे दिया गया या CH3O CH CH3 CH3 दे। ये कुछ प्रैक्टिस करा रहे बेटा, तुरंत आपको देखिए एल्कोक्सी छोटे के लिए, एल्केन बड़े के लिए। अब बेटा जैसे इसका IUPAC नेम करना है तो यहां देखिए दोनों बराबर है, किसी के लिए एल्कोक्सी लिखिए तो क्या लिखेंगे, इसके लिए मेथॉक्सी, क्या लिखेंगे METHOXY मेथॉक्सी, और एक कार्बन वाला क्या मीथेन, इसका IUPAC नेम क्या होगा मेथॉक्सी मेथेन। यहां दोनों बराबर है, इसका IUPAC नेम क्या होगा इथॉक्सी इथेन हो जाएगा, याद रखिएगा इथॉक्सी इथेन। अब बेटा यहां देखिए CH3OC2H5 है, CH3OC2H5 है तो यहां छोटा कौन है मेथिल है, इसलिए इसका IUPAC नेम होगा मेथॉक्सी मेथॉक्सी इथेन, याद रखिएगा इसका IUPAC नेम क्या होगा मेथॉक्सी इथेन। कोई पूछेगा कि क्यों होता है तो आप बता दीजिएगा कि छोटा ग्रुप जो है आपका मेथिल है इसलिए उसके लिए मेथॉक्सी लिखे हैं, और बड़े ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं एल्केन, तो दो कार्बन वाला एल्केन क्या होता है इथेन होता है मेथॉक्सी इथेन। अब बेटा यहां आइए, यहां पे देखिए सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, ये इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो इसका IUPAC नेम पहले पे मिथॉक्सी है तो लिखेंगे 1 मिथॉक्सी 1 2 3 प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए इसका IUPAC नेम बनाइए, बस कुछ नहीं एकदम सिंपल है भाई, कंफ्यूज हो जा रहे हैं 1 2 3 तो कुछ जगह 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। देखिए जो बड़ा वाला है उसके लिए एल्केन लिख रहे हैं, छोटे वाले के लिए एल्कोक्सी लिख रहे हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। अभी इस पे और प्रैक्टिस करवाएंगे क्योंकि इस लेक्चर में मैं केवल IUPAC ही बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, ये रूल्स नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नोट करिए, अब क्वेश्चन कुछ कर लिया जाए। चलिए इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, ऐसे दिमाग में है मेथॉक्सी मेथेन एथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन 1 मेथॉक्सी पहले कार्बन पे 1 मेथॉक्सी प्रोपेन 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ऐसे याद लीजिए। चलिए हमारे लेक्चर में यही चलेगा आज पूरा, ढेर सारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आपको। जैसे देखिए ये आ गया इसका IUPAC नेम CH3 CH2 CH CH3, अब यहां पे आ गया OC2H5, ये आ गया इसका आ गया CH CH3 CH2 CH3, ये आ गया। जैसे ये आ गया इसका IUPAC नेम करना हो OCH3, ये बेंजीन आ गया बड़ा, ये जैसे ये आ गया, अभी सबका बता रहे हैं बेटा OC2H5 आ गया, पहले इतना कर लेते फिर आगे और पता थे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो बेटा अब इसका करना हो तो यह सबसे बड़ा एल्किल ग्रुप कौन है, ये ऊपर वाला होगा तो नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि ये पास में है, तो 1 2 3 4 ये OC2H5 है तो C2H5 को क्या बोलते हैं एथिल, तो हो जाएगा 2 एथॉक्सी 4 कार्बन वाला क्या होगा ब्यूटेन, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे 1 2 3 4 2 मेथॉक्सी।
चार कार्बन वाला बड़ा एल्केन है ब्यूटेन, टू एथॉक्सी ब्यूटेन और टू मेथॉक्सी ब्यूटेन, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए OCS3 ये बेंजीन है, तो OCS3 को क्या कहेंगे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी इसको क्या कहेंगे, बेंजीन, इसको क्या कहेंगे, एथॉक्सी, एथॉक्सी बेंजीन है ना, एथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, नोट कर लीजिएगा इसको भी। अच्छा चलिए नोट कर लीजिएगा भाई, आगे बता रहे, ढेर सारा प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं आपको, जिससे कि आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, कि ये गलती ना करें आप। चलिए अच्छा, जैसे ये आ गया, ये बेंजीन वाला ये दो कर लिया जाए, ये ओ है, ये इसका IPC नहीं, तो इसको क्या करेंगे, फेनिल को फेनॉक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, फेनॉक्सी, फेनॉक्सी, एक तो फेनॉक्सी हो गया, एक क्या होगा, बेंजीन, फेनॉक्सी बेंजीन हो गया। अच्छा चलिए ये तो आप कर लिए, अब अगर दो दो ठो ग्रुप आ जाए, दो दो आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे देखो एक एग्जांपल लिख रहे हैं, CH3 CH OCS3 इधर भी क्या है, OCS3 देख रहे ना, दो मेथॉक्सी, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 पहले पे दोनों है तो लिखेंगे 1 1 डाई मेथॉक्सी, डाई मेथॉक्सी, और ये दो कार्बन वाला क्या होगा, इथेन, ऐसा समझ में आ गया होगा बेटा, 1 1 डाई मेथॉक्सी इथेन है ना। अब जैसे इसका आ गया CH3 CH OC2H5 इधर हो जाए, OC2H5 इधर हो जाए, और यहीं 1 2 1 1 डाई एथॉक्सी, दो कार्बन वाला क्या होगा, इथेन, नोट कर लिए, 1 1 डाई एथॉक्सी इथेन, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए एक दो और करा देते हैं, इसके बाद फिर शुरू करते हैं आगे। चलिए आप करा डालिएगा, इसके क्वेश्चंस लगा डाल लग जाएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। जैसे देखिए ये है CH3 CH3 इधर हमने लगा दिया CH3, अब ये क्या लगा दिया, OCH3 है ना, अब क्या होगा, 1 2 3 है ना, तो आपका क्या होगा, टू दूसरे पे मेथॉक्सी है तो टू मेथॉक्सी इसी पे मेथिल है तो टू मेथॉक्सी तीन कार्बन वाला प्रोपेन, टू मेथॉक्सी टू मेथिल प्रोपेन, नोट कर लिए। चलिए आगे बता रहे हैं, एक और करा देते हैं इसके बाद इस लेक्चर में, आप इसको देख करके और कोशिश करिए। जैसे C6H5 है, O C7H15, तो अब ये आप जानते हैं कि वही वन कार्बन पे ही मान लीजिए है, तो 1 फेनॉक्सी PHENOXY 1 फेनॉक्सी हेप्टेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेप्टेन, 1 फेनॉक्सी हेप्टेन, इस साथ समझ लीजिएगा, जैसे होगा ना ये आप ऐसे होगा C6H5 O है, यानी CH2 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 1 2 3 4 5 6 और ये CH3, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 वही 7 है पहले पे, ऐसे होता है 1 फेनॉक्सी हेप्टेन। तो इस लेक्चर में आपका ये IUPAC नेम ऑफ ईथर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बच्चा लोग, आप लोग इस लेक्चर को देख करके आपके जो NCERT में है एग्जाम्पल्स उनको, और आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उनको सब लगाने का प्रयास करिएगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे
प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर का कैसे प्रिपरेशन करते हैं, और फिर इसके बाद अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज, तो ईथर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में केवल मैं आपको आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर बताया हूं। इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक्स।